अभियुक्तों ने पूर्व में कई लोगों को दिए नकली इंजेक्शन। जब उसने डॉक्टर से परीक्षण कराया तो ज्ञात हुआ कि यह इंजेक्शन नकली है। फिर पुलिस टीम ने इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, पहला प्रकाश मिश्रा और दूसरा ज्ञानेश मिश्रा। इनकी निशादेही पर यह सभी बरामदगी 68 नकली इंजेक्शन एवं 18 लाख रुपए भी बरामद हुए, जिनको पकड़ने के बाद जेल भेजा गया। थाना ग्वालटोली की पुलिस टीम ने आज 2 युवकों को पकड़ा है। इनके पास से ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एम्फोनेक्स ब्रांड के 68 नकली इंजेक्शन की एक खेप बरामद हुई है। 11,000 रुपए में यह इस इंजेक्शन को शहर में घूम घूम कर बेचते हैं। 1,80,000 रुपए भी बरामद हुए हैं और एक ब्लैक कलर की गाड़ी जिस पर हाईकोर्ट लिखा है, जांच प्रचलित है, भी पकड़ी गई है। पूछताछ में प्रयागराज के कुछ मेडिकल स्टोर्स के नाम आए हैं, जहां पर पुलिस की छापेमारी अभी की जा रही है। इनके पास 5 मोबाइल फोन भी हैं जो जिनकी छानबीन की जा रही है। कमिश्नर महोदय ने इस सराहनीय काम के लिए टीम को 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया है। कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। रासुका तक की कार्रवाई इसमें की जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।